हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों हुण असी शिफ्ट 1 विच आए PSTCL दे पेपर बारे एनालाइज कर लैने आ जी। जो भी क्वेश्चन आए सी जी, आओ जी शुरू करते हाँ। फस्ट क्वेश्चन सीगा जी, लोहड़ी किस तरीक नूं मनाई जाती है? जो लोहड़ी है किस तारीख नूं मनाई जाती है जी? इसका सही आंसर की सी? ऑप्शन नंबर 3, 13 जनवरी। नैक्सट सीगा जी, राम बाग पैलेस नूं कदों अजायब घर विच बदल दिता गया? इसका सही आंसर सी जी 1977। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, झोने तो इलावा केड़ी उच्च पैदावार वाली वैरायटी फसल नूं हरी क्रांति दौरान पंजाब विच लिआंदा गया? केड़ी आई सी जी झोने तो इलावा? इसका सही आंसर है जी कणक। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, डैश दे सरकारी अजायब घर ते आर्ट गैलरी नूं ली कोरबूजर द्वारा डिजाइन किया गया सी? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 2, चंडीगढ़। ठीक है जी। चंडीगढ़ के सरकारी अजायब घर ते आर्ट गैलरी नूं ली कोरबूजर द्वारा डिजाइन किया गया सी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन सीगा जी, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किस साल होया सी? तो इसका सही आंसर की सी? ऑप्शन नंबर 3, 1469। नैक्सट क्वेश्चन जी साडा जी, स्वतंत्र भारत विच रूपनगर हड़प्पा अवशेषा नूं प्रगट करन वाली डैश पुरातत्व जगह सी? इसका सही आंसर की है जी? पहली रूपनगर जो सी ओह पहली पुरातत्व जगह सी जिथे हड़प्पा अवशेष प्राप्त होए सन। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन सीगा जी, पंजाबी भाषा का मूल भारतीय यूरपी भाषा परिवार विच है जिस विच फारसी अते डैश शामिल हैं? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 2, लातीनी। ठीक है जी। इस विच फारसी अते लातीनी शामिल हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पंजाब के हेठां दित्तियां विचों किस जिले विच हरी क्रांति लागू की गई? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 1, लुधियाना। नैक्सट सीगा जी, पंजाब विच फतेहगढ़ साहिब का पुरातत्व साइट म्यूजियम किस साल स्थापित किया गया? इसका सही आंसर की है जी? 1990। नैक्सट सीगा जी, पंजाब विच खेडां का स्वतंत्र विभाग किस साल होंद विच आया? इसका सही आंसर है जी 1975। नैक्सट क्वेश्चन है जी, कपूरथला जलंधर रोड से कपूरथला के बाहर बनिया पुष्पा गुलजार साइंस सिटी किन्ने खेत्र विच है? इसका सही आंसर की है जी? 72 एकड़। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हुशियारपुर का पतियाड़ी डैम कदों पूरा होया सी? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 4, 2002। नैक्सट क्वेश्चन है जी, छत्तबीड सुरक्षा जंगलों विच्चों महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर किस साल तैयार किया गया? इसका सही आंसर की है जी? 1977। नैक्सट क्वेश्चन है जी, पंजाब विच हरी क्रांति की शुरुआत किस दहाके हुई सी? इसका सही आंसर है जी 1960 के दहाके। नैक्सट क्वेश्चन है जी, माघी मेला गुरु गोबिंद सिंह जी दी किस खिलाफ 1705-6 लड़ी गई जंग की याद विच मनाया जाता है? इसका सही आंसर है जी? ऑप्शन नंबर 2, मुगल। नैक्सट क्वेश्चन है जी, डैश ने गुरमुखी लिपि नूं रस्मी रूप दिता सी जिस विच सिख समुदाय की धार्मिक पुस्तक लिखी गई? इसका सही आंसर है जी? ऑप्शन नंबर 2, श्री गुरु अंगद देव जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड किस खेत्र विच दिता जाता है? इसका सही आंसर है जी? खेडां। खेडां दे विच दिता जाता जी। नैक्सट क्वेश्चन सी जी, श्री हरिमंदर साहिब कित्थे स्थित है? इसका सही आंसर की है जी? अमृतसर। नैक्सट क्वेश्चन है जी, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पंजाब राज विच लिंग अनुपात की सी? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 1, 895। नैक्सट क्वेश्चन है जी, बीड़ मोती बाग जंगली जीव सेंचुरी हेठां दित्तियां विचों किस दियां कई बहुमुल्या शिकार रुखां विचों एक सी? इसका सही आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर 2, पटियाले दे शाही घराने। नैक्सट क्वेश्चन है जी, स्क्रीवल केज मोटर विच डैश दे नाल एक रोटर हुंदा है? इसका सही आंसर की है जी? शार्ट सर्किट बारां दे नाल। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टैंडर्ड एसी जनरेटर डैश वोल्टेज उत्पन्न पैदा करता है। इसका सही आंसर की है जी साइन वेव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैटरी चार्ज विच ट्रांसफार्मर का मुख्य काम की है। इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 3, लोड़ी एसी वोल्टेज लई एसी माइनस वोल्टेज नू स्टेप डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंट्री दे आधारित परिवर्तनी करंट की बारंभता 50 हर्ट या 60 हर्ट है जदों की प्रतख करंट की बराबरता। इसका सही आंसर की सी जी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो धातु प्लेटा या चालकों मिश्र धातु के नाल पिंगला आए बिना जोड़न की प्रक्रिया कहते हैं। इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 2, शोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 माइक्रो एम्पीयर का मुल दसो। इसका आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 मैट्रिक हॉर्स पावर किन्ने वाट्स के बराबर होंगी है जी। इसका सही आंसर है जी 735.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चुंबकीकरण के संबंध में MMF का पूर्ण रूप की है। इसका सही आंसर की है जी मैगनेटोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उपकरण नूं जांचण अते सर्किट नूं हानि पहुंचाए इसकी पावर नूं घट किए बिना लाइव चालक नूं मापण लई डैश की वरतों की जाती है। इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 3, टंग टेस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डीसी जनरेटर का केड़ा भाग आर्मेचर से मौजूद ऊर्जा नूं बाहरी सर्किट से स्थानांतरण करता है। इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 3, बुरश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3-फेज इंडक्शन मोटर 3 ध्रुवों लई बाउंड है अते 50 हर्ट्ज सप्लाई तो सप्लाई मिलती है जदों स्लिप 4% है तो रोटर की गति पता करो। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4, 1920 RPM गति। ठीक है जी, ये स्पीड है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नहीं दिते जी, क्वेश्चन नंबर 12 ते 13 जी। 14वां क्वेश्चन है जी, बिजली मापक यंत्र डैश नूं अर्थ दे के किसी भी दो बिंदुओं विचकार प्रतिरोध नूं मापण लई वरत्या जांदा है। इसका सही आंसर की है जी ऑप्शन नंबर 3, अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस प्रकार के दोष कारण फ्यूज फेल हुंदा है। इसका सही आंसर की है जी, भारी लोड नूं अचानक हटाउणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2000 ओम्स के कोयल प्रतिरोध के नाल 0 to 1 mA गति दे विचार करो जदों 1 mA कोयल दे राही गुजरता है अते FSD पैदा करता है तां कोयलां प्रतिरोध दे विकसित वोल्टेज किन्नी होवेगी। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1, 2 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंक्शन दे पासे N तो जंक्शन दे पासे P ते नष्ट होए होलां लई इलैक्ट्रॉन थां बदली डैश उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर है जी बैरियर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस प्रकार के प्रतिरोधकों में सिरेमिक आधार ट्यूब ते कार्बन फिल्म की पतली परत जमा होंदी है। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट के साइन वेव का प्रभावी मुल हमेशा इसके शिखर मुल के डैश गुण के बराबर होंदा है। इसका सही आंसर है जी 0.707। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डीसी मशीन विच डैश द्वारा प्रेरित EMF की दिशा निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर की है जी, फ्लैमिंग के सज्जे हथ के नियम अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्हां विचों केड़ा बिजली खतरे की श्रेणी दे नाल संबंध नहीं रखता। इसका सही आंसर है जी, खराब मैनुअल होल्डिंग तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तरंग वाइंडिंग विच समांतर मार्गों की संख्या कितनी होगी। इसका सही आंसर है जी 2 गुणा वाइंडिंग दे प्लेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसे 200 ओम अंदरूनी प्रतिरोध वाले APMMC यंत्र विच 1 MA दा पूर्ण पैमाना डिफलैक्शन करंट है। इस यंत्र नूं 20 वोल्ट मापन लई वोल्ट मीटर विच बदलिया जाना है। गुणक प्रतिरोध दी मुल गणना करो। इसका सही आंसर की है जी 19,800 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, घट पावर फैक्टर का मुल मुख्य कारण डैश दे कारण है। इसका सही आंसर की है सर्किट विच रिएक्टिव पावर प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रेना या भारी निर्माण ट्रकों विच किस मोटर की वरतों की जाती है जिथे भारी स्टार्टिंग टॉर्क लोड़ींदा है। इसका सही आंसर की है जी DC सीरीज मोटर विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जनरेटिंग स्टेशन ते वोल्टेज नूं वधाउण ते वंड लई वोल्टेज नूं घट करन लई जनरेशन ते ट्रांसमिशन नैटवर्कां विच डैश दा उपयोग कीता जांदा है। इसका सही आंसर की है जी पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 वोल्ट मीटरां दी रीडिंग क्रमवार 200 वाट ते 110 वाट है। कुल पावर इनपुट की गणना करो जेकर दोवें 3-फेज सिस्टम विच पावर मापन दे लई जोड़े होण। इसका सही आंसर की है ऑप्शन नंबर 1 310 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तुसी ऋणात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोधकां नूं की कहिंदे हो। इसका सही आंसर की है जी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर कहे जांदे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3-फेज स्टार कनैक्शन विच लाइन वोल्टेज हमेशा फेज तो उदासीन वोल्टेज की डैश गुणा होंदी है। इसका सही आंसर है जी √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तांबे का परमाणु पुंज डैश है किन्ना है जी। इसका सही आंसर है जी 63.54। ठीक है जी, तांबे का यह परमाणु पुंज होंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक सिंगल यंत्र है, दसो जी किहड़ा यंत्र है सिंगल यंत्र जो करंट वोल्टेज और प्रतिरोध को मापता है। इसका सही आंसर की है जी मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का पहला नियम दसदा है कि करंट के हरेक जंक्शन से आने वाले करंटा का जोड़ जाने वाले करंटा के जोड़ के बराबर की होंगे जी। इसका सही आंसर है जी बराबर। ठीक है जी, बराबर होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 वाट मीटर दी रीडिंग क्रमवार 220 वाट ते 600 वाट है। कुल पावर इनपुट की गणना करो जेकर दोवां नूं 3-फेज सिस्टम विच मापिया जावे। इसका सही आंसर की है जी 820 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 डायोड फुल वेव रिएक्टीफायर विच 2.4 एम्पीयर दे लोडिंग दे लोड करंट दे नाल उपयोग किए गए डायोडा की करंट रेटिंग की होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1.2 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तरल या घोल दे राही बिजली करंट दे गुजरन दे कारण होने वाली रसायन परिवर्तन की प्रक्रिया नूं डैश किया जाता है। इसका सही आंसर है जी बिजली विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रतिरोध दे नियम संबंधी हेठ लिखे विचों केड़ा कथन सच नहीं है। इसका सही आंसर की है तार की लंबाई बढ़ाने नाल इसका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 10,000 ओम तक के प्रतिरोध वाले हीटर प्रतिरोध नूं डैश प्रतिरोध वजों वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर की है जी दरम्याने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3-फेज क्षेत्रोव 50 हर्ट्ज स्क्रेल केज मोटर 950 RPM की फुल लोड गति दे नाल रेटकृत है। तत्काल स्टार्टअप ते स्लिप प्रतिशत निर्धारित करो। इसका सही आंसर की है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्टेशन विच डैश दे लई ब्रेकर वरते जाते हैं की आंसर है, जदों अचानक बिजली वाधा या दोष वापरदा है उस समय बिजली प्रवाह विच रुकावट पाउण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਚੁੰਬਕ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੋਹ ਚੁੰਬਕੀ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਸਟੈਰੀਸਿਸ ਹਾਨੀ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸ਼ ਬੀ ਮੈਕਸ ਐਨ ਗੁਣਾ ਐਫ ਗੁਣਾ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਜਨਰੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਮ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਲਟ ਵਰਗ ਨਿਯਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 3410 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਇਮੀਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਓਸਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸਡ ਵਾਇਸਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨਸੋ ਇਡਲ ਏਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1.11। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬੱਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਸ਼ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਹਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਪਲਿੰਗ ਕਪੈਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਜਿਊਮਰ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ EMF ਲਈ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ EMF ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਬਰਬਰਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੁੰਬਕੀ ਕੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਏਅਰ ਕੋਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ DC ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਂਤਰ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਸੰਚਾਲਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰਾ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ 0.26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੂਰੇਕਾ ਤਾਰ ਵਿੱਚ 2.73 ਓਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 72.5 ਓਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੱਲਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 3-ਫੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਰਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਅਤੇ 50 ਹਰਟਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 2000 RPM ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ UV ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।